पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए मनपा पेड़ों को बचाने के लिए नई कदम उठा रही है। मनपा प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए लगने वाली लकड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए अब बैरिकेड्स बायोमास नाम की नई प्रणाली का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चाहल ने दाह संस्कार के लिए हर साल लगने वाली लाखों किलो लकड़ियों के उपयोग पर कुछ हद तक रोक लगाने के लिए कदम उठाया है। मनपा की तरफ से मुंबई के 14 शमशान भूमि पर ब्रिकेट्स बायोमास का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। मनपा का कहना है कि हर साल इन 14 शमशान केंद्रों पर लगभग 18,60,000 किलो लकड़ी लगती है, लेकिन अब लकड़ी का उपयोग ना कर ब्रिकेट्स बायोमास का उपयोग किया जाएगा, जिससे लाखों किलो लकड़ियों की बचत होगी। दाह संस्कार के लिए लगने वाली लकड़ियों से हर साल बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जाएगा। अब ब्रिकेट्स बायोमास का उपयोग करने से लकड़ियों के उपयोग से बचा जा सकेगा। जिन शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए ब्रिकेट्स बायोमास का उपयोग किया जाएगा, उनमें जी वार्ड की मंगलवारी शमशान भूमि, ई वार्ड की बैकुंठ धाम, हिंदू शमशान भूमि और कई शमशान भूमि शामिल है।